हेलो कर दो सब लोग, हेलो हेलो। Hey guys, welcome back to my channel. Now before this is my YouTube channel, नई दिन नई शुरुआत और आपके साथ। So guys, मैं बहुत दिनों के बाद vlogging कर रहा हूँ, कम से कम 6-7 महीना हो गए होंगे वो मैंने अभी तक vlog नहीं डाला। So ये vlog ज़्यादा लंबा नहीं होएगा और छोटा ही रहेगा, लेकिन बहुत ही मज़ा आने वाला है। So vlog में बने रहना एंड मैं हो गया हूँ रेडी। So अभी मैं निकल रहा हूँ, अभी टाइम हो रहा है 6:30 और 7 बजे ट्रेन है सो दरभंगा के लिए। सो हम लोग अभी दरभंगा के लिए निकलेंगे। सो अभी मैं रेडी हो गया हूँ, सो आपको दिखाता हूँ, लेट्स सी। सो आज का हमारा कुछ ऐसा लुक है, सो देख सकते हो और बताना कमेंट में कैसा लग रहा हूँ मैं। सो देख लो, और हमारे घर के सामने कुछ ऐसा नज़ारा है और सुबह का टाइम है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हम निकलते हैं बाहर, और बाहर में मेरे दोस्त भी हैं, एक दोस्त है, शायद दो दोस्त थे, तो एक तो सोए के सोए रह गए, लेकिन एक है जो है साथ में। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। ओके सो गाइस, मैं आ गया बाहर और अब चलते हैं स्टेशन की ओर। और ये रहा मेरा ब्रदर, ओए हाय कर। सो चलो फिर चलते हैं और स्टेशन पे चलता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं है। तो हमारी ट्रेन आ रही होगी, तो फटाफट चलते हैं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। ओके सो गाइस, हम लोग आ गए स्टेशन पे और अब हम अपनी ट्रेन की वेट करेंगे थोड़ा सा, और ट्रेन आएगी फट से बैठेंगे, उसके बाद फिर दरभंगा के रास्ते। एंड सो सुबह का नज़ारा तो बहुत अच्छा है, और आप सोच रहे होगे यार बहुत जल्दी मैं हूँ। हाँ, मैं सच में बहुत जल्दी में हूँ, क्योंकि मैं सो रहा था और इस बेचारे ने मेरे को फ़ोन करके उठाया। मैं इसको बोला मैं उठाऊँगा तेरे को सुबह में, लेकिन इसने ही मुझे उठा दिया, तो थैंक यू भाई। तो देखो चश्मा कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है और धूप भी है। एक और भाई जाने वाला था हमारे साथ, तो वो अभी तक सो रहे हैं, उनको अभी कॉल किया हूँ, शायद वो आएंगे या ना भी आएंगे, पता नहीं। सो चलो फिर हम लोग अब ट्रेन का वेट करते हैं, उसके बाद हम ट्रेन में बैठते हैं तो आपको दिखाते हैं, लेट्स सी। ओके सो गाइस, जैसे कि यहाँ पे ट्रेन आती है और हम लोग सीट लेने की वजह से यहाँ पे ब्लॉगिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि सीतामढ़ी से दरभंगा के लिए लोकल ट्रेन खुलती है और लोकल ट्रेन में बहुत ज़्यादा रश रहता है, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था वहाँ पर ब्लॉगिंग वगैरह करना। तो हमारे पास फ़ोन प्लस कैश भी था, तो डर था कहीं चोरी वगैरह नहीं हो जाए, एंड बहुत मज़ा आएगा, देखते रहो। अब हम लोग सीधा मिलेंगे दरभंगा स्टेशन, लेट्स सी। सो फाइनली दरभंगा। सो फाइनली गाइस, अभी हम लोग अभी पहुंचे हैं और अब हम थोड़ा जाएंगे, पता नहीं कहीं भी थोड़ा फ्रेश वगैरह होएंगे और फिर ठीक है। ओके सो गाइस, हम लोगों ने आसपास के छोटे बड़े क्रिएटर्स को भी इनवाइट करा था, और ये प्लान मेरा और फहीम का था, एंड मैं और फहीम साथ में आए थे, और मेरे स्टेशन से एक दो स्टेशन बाद फहीम का स्टेशन आता है। सो हम लोग का घर आसपास में ही है, सो हम लोग इकट्ठे आए, हमारे कुछ फॉलोवर्स भी मिल जाते हैं यहाँ पर। सो आगे के देखो होता है क्या। और गाइस देख लो, दोनों का जूता सेम है, और समीर का भी सेम है भाई, किसका जूता सेम है, दोनों का, और समीर का भी सेम है, मेरा अलग है, हम लोग पटे आ गए। तो अभी हम लोग पहुंचे और ये रहे हमारे सारे ब्रदर, और ये रहे सबसे फेमस बंदा फहीम, फेमस फहीम, नो बी फहीम, फहीम बिग फैन ब्रो, बिग फैन टू यू ब्रो, ये वाला भी हाथ चलेगा। ओके सो अब हम लोग थोड़ा फ्रेश होंगे, उसके बाद फिर देखते क्या होता है। सो जो भी होगा हम आपको दिखाएंगे, सो हमारे ब्लॉग में बने रहना, सो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ओके लेट्स सी। ओके सो गाइस, हम लोग प्लेटफॉर्म 1 पर आके एकदम अच्छे से फ्रेश हो गए स्टेशन पर ही, और उसके बाद हम लोग निकले दरभंगा म्यूजियम के लिए। सो म्यूजियम में जाते हम लोग वहाँ पर वीडियो वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिए। सो मैं और फहीम तो एक ही वीडियो बनाए, बाकी क्रिएटर्स लोग जो थे वहाँ पर वो लोग वीडियो वगैरह बनाए, एंड उन लोग को हमारे साथ वीडियो वगैरह बनाना था। सो चलो मैं आप लोग को बिहाइंड द सीन दिखाता हूँ, एंड अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और लाइक करके जरूर जाना, लेट्स गो। सो इनसे मिलिए, जो ब्लैक चश्मा ब्लैक मास्क डाले हुए, ये है समीर रजा, जो आए हैं छपरा से, और इन्हें हम प्यार से कहते हैं छपरा पार्टी। सो बहुत ही गुड बंदा है, एंड चलो गाइज अब हम लोग वीडियो वगैरह बनाते हैं, सो आप लोग को भी दिखाते हैं बिहाइंड द सीन, लेट्स सी। ये कहाँ भाग रहा है?
बीट मारना था ब्रो। सो फाइनली गाइज हमारा थोड़ा सा शूट हुआ है और थोड़ा अभी हम राज मैदान जाएंगे। सो वहाँ पर शूट करना है अभी हमें, और फिलहाल तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पर बगल में म्यूजियम है ऐसा, तो जाएंगे अभी हम लोग म्यूजियम में। सो वो रहा म्यूजियम, तो चलो फिर अंदर चलते हैं और शायद ही मैं अंदर कुछ दिखा पाऊँगा क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। तो लेट्स सी गाइस, जैसे मैंने वहाँ पर कैमरा निकाला और गार्ड मेरे को देखकर सीधा मेरे पर हाइपर, सो फिर भी मैंने छुपा कर इतना छोटा सा क्लिप बनाया स्पेशल आप लोग के लिए, और देख लो और लाइक ज़रूर कर देना। सो फाइनली हम लोग म्यूजियम घूम लिए, अब चलते हैं कुछ खा लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हमें। तो उसके बाद खा पी कर फिर हम लोग जाएंगे राज मैदान। और भी पंडल लोग इधर ही, सही है। अभी हमारे खाने खाने का टाइम है, भूख तो लगी हुई बहुत हार्ड, तो अभी वेट करना पड़ेगा, बिरयानी आ रहा है। कैसे कैसे निकाले हो तुम लोग, ये मेरा है। ओके सो गाइस, हम लोग थोड़ा सा चलने के बाद एक रेस्टोरेंट नज़र आता है जिसमें हम लोग जाते हैं। सबसे पहले एसी ऑन करवाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी था, बहुत कड़ी धूप थी, और देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा पसीना गिर रहा है हम लोग को। और हम लोग बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करते हैं, जैसे बिरयानी आता और हमारा सारा फोकस बिरयानी पर रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो फटाफट हम लोग फिनिश करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर वीडियो वगैरह शूट करेंगे, तो आप लोग को भी बिहाइंड द सीन दिखाते हैं। अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लो, बहुत मज़ा आने वाला है, ऐसे ही बने रहो हमारे ब्लॉग में। और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे मिथिला यूनिवर्सिटी के लिए, सो लेट्स गो। So, finally, खाना पीना हो गया, अब किधर जाना है? राज मैदान। आप सबको बताएं कि आप किधर जा रहे हैं? मैं तो अभी राज मैदान ही सब जाएंगे। चलेंगे वहाँ पे, वहाँ पे शूट करेंगे ना? हमें वहाँ पे शूट तो करना है, सब बहुत मजा आने वाला है। तो गाइस ब्लॉग में बने रहना भाई। अमीर लोग बाइक से जाएंगे, बाइक से जाएंगे अमीर लोग, और हम लोग ऑटो से जाएंगे। हम लोग बाइक से जाने वाले, आप लोग ऑटो से जाओ भाई, वो सब नहीं पता। ट्रिपल लोडिंग में पुलिस ही पकड़ता है बिना हेलमेट के। कोई दिक्कत नहीं, डंडा लगेगा, ऐसे मास्क हटाएंगे भाई, बोलेगा जाओ जाओ। कितनी दूर है ये छोटा डॉन हमारा? अरे वो लोग निकल गए, अबे वो लोग आ गया। तो अब हम लोग जा रहे हैं मिथिला यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे वीडियो बनाएंगे अभी, तो बहुत मजा आएगा। और ये रहे हमारे स्टार, ये देखिए पतलू लाल। थोड़ा मौसम बढ़िया हुआ ना, बहुत बढ़िया, बस ऐसी रहे, धूप ना आए, तो बहुत मजा आएगा। फोटो कर लेंगे ना।
यार दरभंगा लोकल का बहुत अच्छा है। हाँ लोकल के लिए तो बहुत बढ़िया। तो गाइस हम लोग आए हैं बहुत दूर से, बहुत ज्यादा दूर से, और यहाँ हालत खराब हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर अब फहीम चलाएगा भाई, हम लोग बैठेंगे तो फहीम ड्राइवर। ड्राइवर यहाँ पे फहीम चला रहे अभी बाइक। ठीक से फहीम न्यू ड्राइवर भाई, पता नहीं कहाँ ले जाएगा लक्की वाला। सो इनसे मिलिए, ये हैं हमारे इंस्टा के प्यारे प्यारे फॉलोअर जो कि हमें बाइक से फॉलो कर रहे हैं। तो अभी इन लोग से भी मिलते हैं। सब लोग यहीं के तो हमारे यहाँ के प्यारे प्यारे फॉलोअर्स सब लोग हेलो हेलो। तो अंदर गया करने देंगे। ओके सो गाइस हम लोग अपने लोकेशन पे आ गए, मिथिला यूनिवर्सिटी। गाड़ी वाली निकल जाओ, अंदर एग्जाम चल रही है ना। एग्जाम चल रही है, एग्जाम कुछ दे रहा है। फ्री हो जाएंगे सब लोग 4 बजे तक चार बजे एंड होएगा यार। अरे हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। ओह क्या ही हवा चल रहा है यार। लोकेशन देखो, लोकेशन जरूरी नहीं है, चलते हैं इधर ही से। चल 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 इधर ही से ना भाई, जब जाएगा ना भाई। चलो फिर शूट करते हैं, कुछ वीडियो वगैरह बनाएंगे। डन। यहाँ से हमें भी जाना होगा। ए शाबाश शाबाश शाबाश। आ जा भाई, लो पकड़ लेते हैं फोन, ले लेते हैं तुम्हारा सीन। आप लोग अंदर चलेंगे, अभी अंदर जाने। ओके सो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोग मिथिला यूनिवर्सिटी बाइक से आते हैं, और भी जो हमारे साथ भाई लोग थे वो लोग ऑटो से आ रहे थे। सो वो लोग भी पहुंच गए अंदर। सो अब हम लोग जा रहे हैं अंदर, यहाँ पे वीडियो वगैरह शूट करेंगे। सो बहुत मज़ा आने वाला है। सो यहाँ पर हम लोग के थोड़े बहुत फैंस मिल जाते हैं, तो थोड़ा बहुत क्राउड हो जाता है, तो बहुत मज़ा आता है। सो देखते रहो आगे आगे होता है क्या। लेट्स गो।
मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं। तो चला यार, वीडियो बना जा दूसरा। जल्दी नवी, नवी जल्दी कर। सारा शूट कंप्लीट हो गया और अब हम लोग चल रहे हैं घर पर। सो बहुत अच्छा लगा दरभंगा आकर, और हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाए, और क्या ही करें, बस अब हम लोग निकलेंगे घर। सो गाइस हमारा एंडिंग है, बहुत अच्छा लगा, मतलब आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसको तो पहचान ही रहे हो, फेस मिल रहा है ना, ये फहीम का छोटा भाई है और ये यहीं रहता है ना, आप यहीं रहते हो। सो अब सब लोग जा रहे हैं, तो हम भी लोग भी चले घर पे। यहाँ से जाना पड़ेगा स्टेशन, स्टेशन से फिर सीतामढ़ी के लिए ट्रेन लेना पड़ेगा हमें। ओके सो गाइस फाइनली मैं अपने घर पहुँच गया, एंड आई एम सो सॉरी मैं ट्रेन में व्लॉग नहीं कर पाया था, क्योंकि यार मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, ऊपर से इतना ज़्यादा गर्मी दरभंगा में, भाई सब पूरा स्किन जल गया मेरा, देख रहे हो पूरा स्किन जल गया। तो आते हैं, अब तो घर पहुंच गया हूँ, फ्रेश होऊंगा, नहाऊंगा, आज मुझे बहुत अच्छी नींद आने वाली है। सो बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके, तो ऐसे बस प्यार बनाए रखो, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, एंड कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगे, एंड जो भी नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो तब तक बाय बाय।